हाय स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको डिवीजन ऑफ नंबर्स के बारे में बताने वाला हूँ। डिवीजन ऑफ नंबर्स मतलब जब हम नंबर्स को डिवाइड करते हैं, ये साइन आपने देखा होगा, ऐसा वाला साइन आता है डिवीजन के लिए, ठीक है। ये है डिवीजन का साइन। डिवाइड मतलब एक नंबर है, उस नंबर को कई इक्वल भागों में डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। जैसे कि अगर हमारे पास नंबर है 6 डिवाइडेड बाय 2, 6 डिवाइडेड बाय 2 होता है 3। अब ये 3 कैसे होता है, ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास हैं 6 ऑब्जेक्ट्स, कोई 6 चीजें हैं। अब इन 6 चीजों को हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, एक एक इसको देंगे, एक इसको देंगे ऐसे, ठीक है, फिर ये इसको देंगे, ये इसको देंगे, ये इसको देंगे और ये इसको देंगे। इस तरह से ये हो जाएंगे 6 डिवाइड 2 इक्वल पार्ट्स में, तो हर एक पार्ट में आएंगे 3 3। अगर आपके पास 6 एप्पल्स है, आप 2 लोगों में बांट रहे हो, तो हर एक आदमी को मिलेंगे 3 3 एप्पल्स, तो ये हो जाएगा आंसर 3। यही होता है डिवीजन। अगर है अगला एग्जांपल लेते हैं, 12 डिवाइडेड बाय 3। अगर हमारे पास 12 है, उसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आंसर होता है 4। यहाँ पर भी हमारे पास 12 ऑब्जेक्ट्स हैं, ये वाले 12 ऑब्जेक्ट्स हैं, इन 12 ऑब्जेक्ट्स को हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। अगर इसको हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हमें आते हैं 4 4 के 3 पार्ट्स, 4 प्लस 4 प्लस 4। ये डिवीजन जो है मल्टीप्लीकेशन का अपोजिट है, मल्टीप्लाई में हम गुना कर रहे थे, उसको बढ़ा रहे थे, डिवीजन में हम उसको इक्वल पार्ट्स में कम करते हैं, ठीक है। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए, 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ पर 3 इंटू 4 करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो मल्टीप्लीकेशन का अपोजिट होता है डिवीजन। ये तो फिर यहां पर हो गए 4 4 4, मतलब 4 4 ऑब्जेक्ट्स के 3 पार्ट्स हो गए। चलिए एक इलस्ट्रेशन से आपको समझाता हूं। आपके पास 2 एप्पल्स हैं, ओके, और उन 2 एप्पल्स को आप अपने भाई के साथ इक्वली शेयर करना चाहते हो, तो क्या होगा, इसको हम मैथमेटिकली लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 1। मतलब आपके पास ये 2 एप्पल हैं, एक एप्पल आपने रख लिया और दूसरा एप्पल आपने अपने भाई को दे दिया, एक एप्पल आपका, एक एप्पल अपने भाई का, तो ये क्या हो गया, 2 एप्पल से एक एक करके 2 में डिवाइड हो गए। जब हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ डिवीजन की, यहाँ पर कई मेथड्स हैं डिवीजन के, लेकिन बेसिकली जो सबसे ज्यादा फॉलो होता है वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या हो जाता है, पहले हमें इस तरह का एक फिगर बनाना होता है, ठीक है, इस तरह का फिगर बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे डिविडेंड। डिविडेंड मतलब ये जो 6 था, जो बड़ा नंबर जिसको हम डिवाइड कर रहे थे, उस नंबर को बोलते हैं डिविडेंड, तो वो डिविडेंड यहाँ लिखेंगे। जिस नंबर से उसको डिवाइड कर रहे हैं, जैसे यहाँ 6 को हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो यहाँ पर आ जाएगा डिवाइजर, उसको बोलते हैं हम डिवाइजर, जो हम यहाँ पर लिखेंगे। डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आ रहा है, जितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, उसको हम बोलेंगे क्वोशंट, ये वाला क्वोशंट हम यहाँ पर लिखेंगे। कई बार यहाँ पर भी लिखा जाता है, ऐसे क्वोशंट को यहाँ पर भी लिखते हैं, बट यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं। और अगर डिवाइड करने के बाद जो भी बच रहा है, कभी 0 बचेगा, कभी कोई दूसरा नंबर बचेगा, जो भी बचेगा उसे हम बोलेंगे रिमाइंडर, ठीक है, ये रिमाइंडर। तो आपको याद रखना है डिवाइडेंड, डिवाइडेंड मतलब जिस नंबर से हम डिवाइड, जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं। फिर होता है डिवाइजर, डिवाइजर मतलब जिस नंबर से डिवाइड किया जा रहा है, उसका जो आंसर आ रहा है उसको बोलते हैं क्वोशंट, और अगर डिवाइड करने के बाद कुछ बच रहा है तो वो रिमाइंडर हो जाएगा। अभी वाला हमारा एग्जांपल था 6 डिवाइडेड बाय 2, इसको हम कैसे करेंगे, पहले हम ऐसे फिगर बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 6 डिवाइडेड बाय 2, ये जो 6 डिवाइडेंट है उसको यहाँ पर लिखेंगे, और 2 डिवाइजर है उसको यहाँ पर लिखेंगे, 6 यहाँ पर लिखा हमने, 2 यहाँ पर लिखा। अब क्या करना है हमको, मैंने कहा था आपको टेबल आने चाहिए, टेबल क्यों आने चाहिए, देखिए 2 का टेबल मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 तक पहुंचने तक करना है, 2 3 6, ओके, 2 3 6 हो गया, तो इसको माइनस करना है, फिर ये डिवाइडेंड में से 6 को माइनस करेंगे, तो यहाँ 6 माइनस 6 0 हो गया। अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है, ये जो रिमाइंडर है हमारा, ये अगर 0 हो गया तो हमारा डिवीजन खत्म हो जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया 13, जो कि हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, 12 डिवाइडेड बाय 3, तो ऐसे ये फिगर बना लीजिए, फिर यहाँ पर लिखिए 12, जो डिवाइडेंड है उसको यहाँ पर लिखेंगे 12, और जो डिवाइजर है, डिवाइजर यहाँ पे क्या है, 3 है ना, डिवाइजर 3 है, तो हम 3 को यहाँ पर लिखेंगे। अब पढ़ेंगे 3 का टेबल, 3 1 3, 3 2
सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री फोर जा 12, तो 3 4 जा हो जाता है 12। अब 12 में से 12 को माइनस करेंगे, डिवाइडेंड में से जो हमारा नंबर आया उसको माइनस करेंगे, तो आंसर हो गया जीरो। आंसर जीरो हो गया मतलब हमारा डिवीजन खत्म, तो क्वेश्चन हो गया फोर। अगर कोई नंबर जैसे कि यहाँ 12 3 के टेबल में आ रहा है, अगर इसकी जगह पे 13 होता तो वो 3 के टेबल में नहीं आता, तब हम क्या करेंगे, उससे नीचे का जो सबसे नजदीक का नियरेस्ट नीचे का नंबर है, लोएस्ट नीचे लोअर नंबर, उसको हम लेंगे। वो मैं आगे के एग्जाम्पल्स में आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए 175 डिवाइडेड बाय 35 है, यहाँ पे डिवाइडेंट है 175, डिवाइजर है 5, ओके, आंसर आ रहा है 35। आंसर 35 कैसे आ रहा है वो हम यहां पर देखेंगे। ये बना लिया हमने अपना फिगर और यहां पर लिख दिया डिवाइडेंट जो कि है हमारा 175, यहां पे लिख दो डिवाइजर जो कि है 5। अब 5 का 5 देखो यहां पर 1 है, फर्स्ट नंबर क्या है 1 है जो कि 5 से छोटा है, तो हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते। तब हम क्या करेंगे, दूसरे नंबर तक जाएंगे, 1 और 7 17 हो जाता है, 17 5 से बड़ा है, तो अब हम 5 का टेबल स्टार्ट करेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। अब 17 तो हमारा 5 के टेबल में आ नहीं रहा, लेकिन उसके जो नियरेस्ट नंबर है वो दो नंबर है, एक है 5 इंटू 3 हो रहा है 15, और दूसरा है 5 इंटू 3 4 सॉरी जो हो रहा है 20। अब देखिए नियरेस्ट नंबर कौन कौन से है, 15 और 20। हमें क्या करना है, जो लोएस्ट नियरेस्ट नंबर है वो लेना है, लोएस्ट नियरेस्ट नंबर है 15, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 3 जा 15, हम 5 3 जा 15 लिखेंगे। अब 17 में से 15 को माइनस कीजिए, 7 माइनस 5 2, 1 माइनस 1 0, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे रिमाइंडर बच गया 2, ये वाला रिमाइंडर हमारा बच रहा है 2। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इस 5 को हम यहाँ पे नीचे ले लेंगे और 2 के राइट साइड में लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। 2 5 को नीचे लेके 2 के राइट साइड में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 25। अब फिर से 5 का टेबल स्टार्ट करेंगे, तो 5 5 होता है 25, 5 5 25 हो गया। अब क्या करना है हमको, इस 25 में से इस 25 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0। हमारा रिमाइंडर हो गया 0 मतलब मल्टीप्लीकेशन डिवीजन खत्म, तो हमारा आंसर क्वेश्चन आ गया 35 जो कि हमारा आंसर है 35। ओके नेक्स्ट एग्जांपल करता हूं, 60 डिवाइडेड बाय 4 है, तो हमने बना लिया फिगर, डिवाइडेंट है 60, तो उसको लिख दिया हमने यहां पर, ये हो गया हमारा 60। उसके बाद डिवाइजर है 4, हमने 4 को यहां पर डिवाइजर की जगह पे लिख दिया। अब हम देखेंगे फर्स्ट नंबर 6 जो कि 4 से बड़ा है, तो हम फर्स्ट नंबर को पहले माइनस करेंगे कैसे, अभी 4 यहाँ पे नीचे क्या लिखना है हमें, 4 का टेबल स्टार्ट कीजिए, 4 वन जा 4, 4 टू जा 8। अब यहाँ क्या हो रहा है, 4 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 4, 4 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 8। 6 जो है हमारा 4 के टेबल में नहीं आता। अब इसके दो नियरेस्ट नंबर है, एक 4 है एक 8 है, 4 नीचे वाला है 8 ऊपर वाला है, 8 को हम नहीं लेंगे, नीचे वाले नंबर 4 को लेंगे, तो 4 कैसे आ रहा है, 4 1 जा 4, इस 4 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 4 आता है, ठीक है। तो अभी 6 में से 4 को माइनस करना है, 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो बचते हैं 2, 2 ओके, 2 बच गया। अब इस 0 को यहां पे नीचे ले लो, 2 के राइट साइड में लिख लो 0 को, तो अब ये नंबर हो गया 20। फिर से 4 का टेबल पढ़ना स्टार्ट कर दो, तो 4 फाइजा 20 हो जाता है, 4 फाइजा हो गया 20, ठीक है। 20 में से 20 को माइनस करेंगे तो आंसर बच रहा है 0, यानी कि हमारा रिमाइंडर 0 हो गया, तो डिवीजन खत्म, आंसर आ गया 15 जो कि हमारा क्वेश्चन है। अब ऐसे एग्जाम्पल जहां पे हमको डेसिमल यूज करना पड़े, जैसे कि 425 डिवाइडेड बाय 2 है, इसका आंसर आता है 212.5। ये 0.5 क्यों आ रहा है, देखिए आपको शायद पता हो बच्चों को कि अगर किसी नंबर को हम 2 से डिवाइड करना चाहते हैं तो वो ऑड नंबर है तो पूरा डिवाइड नहीं होगा, वो आधा हो जाएगा। अगर इवन नंबर है तो हम उसको इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। अभी 425 में लास्ट नंबर 5 है, तो 5 इज अ ऑड नंबर। अब इसको कैसे करना है ये देखिए, हम यहां पे लिखेंगे 4 25
ये हमारा डिवाइडेंट है और डिवाइजर है 2, 425 डिवाइडेड बाय 2। तो आप फर्स्ट नंबर 4 जो कि 2 से बड़ा है, 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 टू ज़ा 4। अब 4 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या होता है, 0 होता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस 2 को हम नीचे ले लेंगे, ये 2 क्या हो जाएगा हमारा, नीचे आ जाएगा यहाँ पर। अब 2 इज इक्वल टू 2, तो 2 इंटू 1 इज 2 इंटू 1 इज 2, तो इसको भी माइनस करना है, तो 2 में से 2 गया तो यहां बच गया हमारा 0। नेक्स्ट स्टेप में इस 5 को हम यहां पर नीचे ले लेंगे, ये 5 हमारा 0 के यहां पे राइट साइड पे आ जाएगा। अब 2 के टेबल में 5 तो आता नहीं है, नियरेस्ट नंबर कहां पे है, जो लोएस्ट है, 2 टू ज़ा 4 होता है, यहां पे लिख दिया 2 टू ज़ा 4। अब 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो बच रहा है 1। अभी 1 देखिए डिवाइजर से छोटा है, जब ये नंबर डिवाइजर से छोटा हो गया रिमाइंडर, और 425 के बाद यहां पर भी कोई डिजिट्स हमारे पास बचे नहीं है, तब हमें क्या करना है, यहां पॉइंट लगाना है, 202 के बाद, 212 के बाद एक पॉइंट लगाएंगे, और पॉइंट लगा के हम यहाँ पे नीचे ले लेंगे 0। तो ये नंबर हो गया अब 10। 10 जो है 2 के टेबल में आता है फाइजा, 2 फाइजा 10, 2 फाइजा 10, तो अब 10 में से 10 को माइनस करेंगे तो रिमाइंडर बच गया 0। अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है तो हमारा डिवीजन खत्म हो गया, तो आंसर आया हमारा 212.5। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। ये भी ऐसे है, 49 डिवाइडेड बाय 4। 4 को भी अगर किसी नंबर से डिवाइड करना है हमें तो वो जो डिवाइडेंट है उसको होना चाहिए इवन नंबर, लेकिन यहाँ 49 में 9 है, 9 इज अ ऑड नंबर, तो इसको भी हमें पिछले तरीके की तरह ही करना है। आंसर आ रहा है 12.25। कैसे आंसर आ रहा है, यहां पे देखिए आप, ये हमने बना लिया हमारा फिगर और यहां पे लिख दिया डिवाइडेंट, डिवाइडेंट जो है हमारा है 49। ओके, 49 कर दिया और डिवाइजर हमने यहां पे लिख दिया 4। अब फर्स्ट नंबर 4 है तो 4 वन जा 4, 4 वन जा 4, 4 में से 4 गया तो बचा 0। इस 9 को हमने ले लिया यहां पर नीचे, तो यहां पर आ गया 9। अब 9 तो 4 के टेबल में आता नहीं है, कहां तक आएगा, 4 वन जा 4, 4 टू जा 8, लोएस्ट जो नियरेस्ट नंबर है वो है 8, हमने लिख दिया यहां पे 8। अब 9 में से 8 को माइनस करेंगे, 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो बचता है 1, ये 1 बच गया यहां पे। अब 1 हो गया 4 से छोटा, डिवाइजर से छोटा, रिमाइंडर है, तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, पॉइंट ले लेंगे। ओके, यहां पर 12 पॉइंट लगाएंगे और यहां पर ले लेंगे एक 0। नेक्स्ट हम 4 के टेबल में जाएंगे तो 10 नहीं आता है, नियरेस्ट कहां तक आता है, 4 टू ज़ा 8 तक आता है, यहां पे लिख दो 4 टू ज़ा 8। ओके, 10 माइनस 8 करो तो यहां पर बच रहा है 2, 2 बच रहा है, तो इसको पॉइंट के लगा के यहां पे हम लगा देंगे 0। 4 फाइजा 20, ओके, 20 में से 20 माइनस करेंगे तो बच रहा है 0, रिमाइंडर हो गया 0। अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है तो हमारा डिवीजन खत्म हो गया, तो यहां पे हमारा आंसर आया 12.25। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। ठीक है, यहां पर है 22 डिवाइडेड बाय 3, इसका आंसर है 7.3333। ठीक है, ये 33 जो है कंटिन्यू बढ़ते ही जा रहा है, ये कभी खत्म नहीं होगा, इन्फिनिटी बोलते हैं हमें, इन्फिनिटी तक भी आप करते रहोगे तो ये खत्म नहीं होगा, तो इसे कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूं। ठीक है, पहले हमने बना लिया हमारा फिगर। ओके, ये हमारा फिगर है 22, डिवाइडेंट है 22 और डिवाइजर है 3। ओके, हम डिवाइड कर रहे हैं 22 को 3 से। अब ये जो फर्स्ट नंबर 2 3 से छोटा है, तो हम दोनों नंबर्स को लेंगे। अब 3 के टेबल में 22 का नियरेस्ट नंबर आता है 21, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 होता है, 22 में से 21 को माइनस कीजिए तो यहां बच रहा है 1, हमारा बचा कितना, 1 बचा। ठीक है, अब क्या हो रहा है, 1 जो है डिवाइजर 3 से छोटा है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 7 के राइट साइड में एक पॉइंट लगा लेंगे, 7
पॉइंट, 7 पॉइंट लगा के अब हम यहाँ पे लगा लेंगे एक जीरो। अब ये जीरो लगाने के बाद देखते हैं 3 के टेबल में 10 तो नहीं आता, नियरेस्ट नंबर कौन सा आता है, 9, 3 3 9, 3 × 3 होता है 9। अब 10 में से हम 9 को माइनस करेंगे, 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो अगेन बचेगा 1, ठीक है। तो फिर से पॉइंट के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे एक जीरो लगा लेंगे और फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9, ओके, 10 माइनस 9 इज 9, यहां बचा 1, 10 माइनस 9 इज 1, ओके 1 बचा, फिर 0 लगाया हमने और फिर यहां पे 3 3 9, 3 3 हमने कर लिया 9, ओके तो 10 माइनस 9 अगेन हो रहा है 1। तो इसी तरह से अगर आप करते जाएंगे तो 10 माइनस 9 करोगे 1 आएगा, 0 लगाएगा, फिर 3 3 तो ये 7.3333 जो है नॉन एंडिंग है, रिपीटिंग नॉन एंडिंग नंबर आ जाएगा, ये इंफिनिटी तक कहीं पर भी खत्म नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल और एक करता हूं जहां पे नंबर्स रिपीट नहीं होते। अब ये देखिए 22/7 है, इसको हम कहते हैं पाई, ओके 22/7 में क्या हो रहा है, 3.1429। यहाँ पे नंबर्स अलग अलग आ रहे हैं, वहां पर कैसे था 0.3333 आ रहा था, बट यहाँ पर 1429, तो यहाँ पे नंबर्स रिपीट नहीं होते, लेकिन ये भी कभी खत्म नहीं होगा, इन्फिनिटी तक कहीं पर भी खत्म नहीं होता। आइए इसको डिवाइड करते हैं हम लोग, ये है हमारा 22/7। अब यहां पर देखिए 7 हमारा डिवाइजर है, 22 डिवाइडेंट है, 7 के टेबल में 22 नहीं आता, नियरेस्ट आता है 7 3 21, 7 3 हो गया 21, 22 में से 21 माइनस करेंगे तो आंसर बचता है 1, 1 बच रहा है। अभी 1 जो है ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा है, जब रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा हो जाता है तो हम क्या करेंगे, यहां पे एक यहां पर डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, फिर यहां पर लिख देंगे एक जीरो। इस जीरो को लिखने के बाद अब जो है रिमाइंडर बड़ा हो गया डिवाइजर से, तो यहां हम इसको डिवाइड करेंगे 7 1 7, 7 1 7, 10 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, बचता है 3, 3 अगेन जो है रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा हो गया। तो फिर हम क्या करेंगे, इस डेसिमल के अकॉर्डिंगली यहां पर एक जीरो लगा लेंगे। एक जीरो लगाने के बाद यहां पर अब देखते हैं 7 4 होता है 28, ओके 7 4 28, 30 में से 28 को माइनस कीजिए तो आंसर बच रहा है हमारा 2, ठीक है, आंसर कितना बचा 2 बचा, 2 अगेन हमारा 7 से छोटा हो गया, इस 2 को मैं ऊपर ले लेता हूं यहां पर 2। तो अब इस डेसिमल के अकॉर्डिंगली यहां पर एक और जीरो लगाते हैं, इस जीरो लगाने के बाद अब करेंगे हम नेक्स्ट टेबल में 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 21 20 से बड़ा हो रहा है तो हम नियरेस्ट नंबर जो है, नियरेस्ट लोवेस्ट नंबर जो है 14 है, 7 2 14, 7 2 14 यहां पर लिख लें, इसको माइनस कीजिए, 20 माइनस 14 इज 6, ओके अभी 6 आ गया, तो फिर से पॉइंट के हिसाब से यहां पर ले रहे हम लोग 0। इसके बाद आएगा 7 8 56, 7 8 हो रहा है 56, 60 माइनस 56 करेंगे तो बच रहा है 4। तो आप देख रहे हो कि हम यहां पर डिवाइड करते जा रहे हैं, हमारे डेसिमल के बाद नंबर्स आते जा रहे हैं लेकिन ये खत्म नहीं हो रहा। आप इसको कितना भी डिवाइड कीजिए, 1000 टाइम्स, 10,000 टाइम्स, इन्फिनिटी तक भी ये खत्म नहीं होगा, ओके चलो अब थोड़ा दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं। अब हमारा दूसरा एग्जाम्पल है 1000/20, इसको हम दो तरीके से करते हैं, मैं फर्स्ट तरीका आपको बताता हूं। यहां पर बना लीजिए फिगर, लिख दीजिए डिवाइडेंट 1000 और यहां पर लिखिए डिवाइजर जो कि है हमारा 20, ओके अब हमें 20 के टेबल में फर्स्ट नंबर है 1 जो कि 20 से छोटा है, अगर दूसरा नंबर मिला ले तो हो जाता है 10, वो भी 20 से छोटा है, फिर थर्ड नंबर भी मिला ले तो हो जाता है 100 जो कि 20 से बड़ा है। अब 20 5 होता है 100, ओके 100 में से 100 को माइनस करेंगे तो बचता है 0। अब यहां पर 1000 में एक और 0 बचा हुआ है, उस 0 को हम यहां ले लेते हैं नीचे, लेकिन ये 20 से छोटा नंबर है और हम इसको आगे डिवाइड भी नहीं कर सकते, रिमाइंडर भी 0 हो गया, तो इस 0 को जो हमने नीचे लिया है इसको हम
यहाँ पे ऊपर ले लेंगे, तो आंसर हो जाएगा 50। अगर आपको 20 का टेबल आता है तो ये आसान हो जाएगा, लेकिन मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ जिससे कि ये इजी हो जाए। अब देखिए यहाँ पे दोनों के, 1000 के और 20 के, दोनों के यूनिट्स प्लेस में जीरो है। अगर दोनों, एक डिवाइडेंट है और दूसरा डिवाइजर है, दोनों के यूनिट्स प्लेस में जीरो है, तो उन जीरो को हम हटा सकते हैं, यानी कि उनको हम कट कर सकते हैं। अगर इन दोनों जीरोस को हमने कट कर दिया तो बच रहा है 1000 डिवाइडेड बाय 2, राइट, 1000 सॉरी 100 डिवाइडेड बाय 2। तो हम क्या कर लेंगे, उसको करेंगे 100 डिवाइडेड बाय 2। हाँ आप देखो ये तो आसान हो गया, 2 5 10, माइनस 10 माइनस 10 होता है 0, ये 0 को हमने नीचे लिया, यहाँ पे लिया, अब 2 से छोटा है, आगे डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए इस 0 के हम यहाँ पर ऊपर शिफ्ट कर देंगे, फिर भी आंसर आ जाएगा 50। जल्दी से एक एक दो एग्जांपल्स और बता देता हूँ आपको मैं। यहाँ पर है 600 डिवाइडेड बाय 50, ये नंबर है हमारा 600, सॉरी 600 डिवाइडेड बाय 50। यहाँ पर भी देखिए दोनों नंबर 600 डिवाइडेंड में और 50 डिवाइजर में यूनिट्स प्लेस पर जीरो है, तो हम क्या करेंगे, इस जीरो को और इस जीरो को दोनों को हटा देंगे, तो क्या बचा, 60 डिवाइडेड बाय 5, 60 डिवाइडेड बाय 5। ओके अब 6 यहां पर 5, 6 तो आता नहीं है 5 के टेबल में, नियरेस्ट नंबर है 5 1 5। अब 6 माइनस 5 करेंगे तो यहां पर बच रहा है 1, इस जीरो को हम ले लेंगे नीचे। ओके अब नेक्स्ट 10 है, 5 2 10, यहां पर हो गया रिमाइंडर 0, डिवीजन खत्म, क्वेश्चन इज 12, दैट इज आंसर इज 12। तो एक बात ये समझ में आ रही है कि 600 को 50 से डिवाइड करें तब भी आंसर 12 आएगा, 60 को 5 से डिवाइड करें तब भी आंसर 12 ही आएगा। एक और एग्जाम्पल बता के मैं इस क्लास को खत्म करता हूं, ठीक है। अब यहां पर है 920 डिवाइडेड बाय 80, 920 डिवाइडेड बाय 80। ओके तो यहां पर दोनों के यूनिट्स प्लेस में जीरो है, हम कट कर देंगे दोनों जीरोस को, अब डिवाइड करेंगे 92 को 8 से, यहां पर है मेरा 92 जो कि डिवाइडेंट है और डिवाइजर है 8। ओके 8 1 8, 9 माइनस 8 होता है 1, अब हमने लिया 2 को यहां पर नीचे, तो यहां पर आ गया 2, हो गया 12, फिर होता है 8 1 8, 12 माइनस 8 हो रहा है 4, अब 4 बच रहा है मेरे पास जो कि डिवाइजर 8 से छोटा है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एक डेसिमल पॉइंट लगाऊंगा, फिर यहां पे 4 के राइट साइड में लिख लूंगा एक 0, अब होगा 8 5 40, 40 माइनस 40 हो जाता है 0, रिमाइंडर 0 हो गया, हमारा डिवीजन खत्म, आंसर आ गया 11.5। तो स्टूडेंट्स आपको मेरी क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। अगर आपको और भी मेरे कुछ टॉपिक्स पे सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, उन टॉपिक्स पे मैं वीडियो बना के यहाँ पर पोस्ट करूंगा। आगे देखते रहिए मेरा चैनल और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए और बहुत सारा मैथ्स सीखने के लिए। थैंक यू।